नमस्कार, मैं नासमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। दो राज्य छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान शुरू हो चुके हैं, लोग यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियां यहां पर सक्रिय भी नजर आ रही हैं, सब अपनी तरफ से यहां पर वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का हाल ही में एक बड़ा ट्वीट सामने आता है जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिक से अधिक वोट डालें, यहाँ पर उत्साह दिखाएं वोट डालने को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का भी एक बड़ा ट्वीट सामने आता है जिनका सीधे तौर पर ये कहना होता है कि छत्तीसगढ़ जहाँ पर 90 सीटें हैं और दो चरणों में मतदान होना है, उन दो चरणों में पहले चरण में आज मतदान शुरू हो चुके हैं। 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है। और वहीं राहुल गांधी का ये ट्वीट ये दिखाता है कि वो दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस पार्टी रिपीट होती हुई नजर आई। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सीएम भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे, चाहे उन पर कितने भी यहाँ पर रिश्वत के आरोप लगा दिए जाएं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के खिलाफ 508 करोड़ रुपए के रिश्वत लेन देन का मामला दर्ज है। और यहाँ पर देखा जाए तो ईडी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर उनके खिलाफ भी जाँच की जाएगी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप पर रोक लगा दी जाती है, तमाम और ऐप पर भी रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद भूपेश बघेल कहते हैं कि ये बात मैं काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से करता हुआ नजर आ रहा था, आखिरकार केंद्र सरकार ने कर दिया। यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पर कितने आरोप लगाए गए या राज्यों में ईडी अधिकारियों को भेजा गया, उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के ट्वीट की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब भी इस्तेमाल करें अपने मताधिकार का तो याद रखें कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार, यानी कि वो यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कई गारंटी यहाँ पर लागू की हैं। और यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से यहाँ पर जीत हासिल करेगी तो ये गारंटियाँ यहाँ पर लागू कर दी जाएंगे, जिसमें महिलाओं के मुद्दों की बात कही जाती है, किसानों के मुद्दों की बात कही जाती है, बिजली से जुड़े हुए मुद्दों की बात कही जाती है। यानी कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को लाना है और जनता अपने मतदान का ऐसे ही प्रयोग करे तो कांग्रेस पार्टी यहां पर फिर से जीतती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको, क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आप कितना सहमति जताते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।